हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी अभी ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ है, अब जा रहा हूँ घर। और घर जाकर अगर यही ठंडी का एहसास मुझे होता रहा तो मैं पीऊँगा एक कप कॉफ़ी। और तो चलो निकलते हैं, पहले ठंड है वैसे बहुत, तो चलो घर पर। तो ब्लॉक कर दो सकाइज के लिए स्कूटर्स कर। सो गाइज, ट्रेनिंग से घर वापस आने के बाद में मैं सोच रहा था कि एक पावर नैप ले लूँ। मैं 9:30 बजे घर पहुंचा तो थोड़ी सी नींद आई थी। मैं सोचा चलो एक आधे घंटे की पावर नैप लेता हूँ। जब मैं उठा तो बच चुके 11:30। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि अगर मैं सोच लूँ ना तो मैंने आजकल ना पावर नैप का टाइमिंग, ये पावर नैप ये शब्द ही मैं निकालने वाला हूँ और सिर्फ रुकूँगा कि मैं एक नैप लूँगा। पावर नैप वगैरह सब छोड़ दो। और अभी आया शार्दुल के अंदर, आपको शायद दिख रहा होगा वो डार्क है तो कैमरा उसे पकड़ नहीं पा रहा है। तो उसके मोटरसाइकिल की विंडो शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं। एक्चुअली KTM में जब आपने वो वीडियो देखा तो ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो गाइस, मैं और शार्दुल उसको जा रहे हैं उसकी मोटरसाइकिल देखने के लिए। पहले जाएंगे होंडा, उसमें देखेंगे कौन से पसंद आती है वो, और उसके बाद में जाएंगे TVS और TVS में देखेंगे अपाचे न्यू जो आई है। चलो। तो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कैमरा एंगल चेंज करके। ये देखो पुणे मेट्रो। बहुत ही फास्ट काम इसका चल रहा है। तो चलो पहले इसका काम करके काम निकला क्या है। चलो। सो गाइस, अभी मैं और ये आए हैं होंडा में। तो चलो इनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ये देखते हैं। CB200, शायद इन्होंने एक टूरिंग मॉडल निकाला है इसका। और ये है CB200X और ये है अपनी Hornet 2.0। यार बढ़िया दिखते हैं यार गाड़ी, कलर भी अच्छा है। होंडा का काम ख़त्म हो चुका है, अभी एक दूसरे शोरूम में जा रहे हैं जो कि बगल में है। ज़्यादा ज़ोर से यहाँ पर बात नहीं कर सकता क्योंकि होंडा में है और जा रहे हैं TVS जो कि बगल में है, इसलिए मैं कैमरे के पास आकर बात कर रहा हूँ। तो गाइस, अपना TVS का भी काम हो चुका है। हमने अभी अपाचे 160 स्पेशल एडिशन देखी और 200 देखी। दोनों काफ़ी बढ़िया है, फ़र्क 19-20 का है, मतलब CC का फ़र्क है। और 160 स्पेशल में सिंगल चैनल ABS है और 200 में डुअल चैनल ABS है। तो देखेंगे, अभी बात करेंगे, पहले चलते हैं घर। नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही है मुझे, घर पहुँचने से पहले मुझे इसको ड्रॉप करना है घर, फिर घर जाकर सोना है। आज बहुत बहुत नींद आ रही है यार, पता नहीं क्यों। चलो फिर निकलते हैं, अब मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ घर जाकर। सो गाइस, फाइनली घर वापस आया हूँ, शार्दुल को ड्रॉप किया और पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। तो पहले खाना खाएंगे, हमारा खाना इसमें है मस्त, माइक्रोवेव में गर्म किया है, वो खाएंगे और उसके बाद में सो जाएंगे। मैं पावर नैप लूँगा ये नहीं बोल रहा, मैं सोने वाला हूँ। चलो मैं आपको मिलता हूँ अभी डायरेक्टली सोने के बाद में, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको नींद आई है तो सो जाओ, आगे पीछे की बिल्कुल मत सोचो, सो जाओ। सो गाइज, कार में बैठकर बात कर रहा हूँ आपसे। जब मैं उठा नींद काफ़ी मस्त है वैसे तो, 2 घंटे मस्त, 2-2.5 घंटे सोया मैं, बज चुके ऑलमोस्ट 6:30। मैं सो गया था, बज चुके थे खाना खाने के बाद में ऑलमोस्ट 4:45 बज चुके थे। मैं सो गया, अभी उठा हूँ 5 मिनट पहले और मुझे समझ में आया कि यार हमारी कार शुरू नहीं की बहुत दिनों के बाद, जब से GSI है ना। इसका ख्याल थोड़ा मैं कम करने लगा, पर मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जो भी है वैसे जैसे भी है, मेरी है ये कार, सो आई विल ऑल्सो लुक आफ्टर इट।
मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में एक कप कॉफी के साथ। कॉफी तो बनती है अब। कार से वापस अपने रूम में, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कॉफी का कप मैं और आप। चलिए कॉफी का लुत्फ़ उठाते हैं। वैसे वेदर में चेंज आज दोपहर से काफ़ी होने लगा है। आज मतलब दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पर अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी, इसलिए मैंने ये पहन लिया वापस। और चलो कॉफ़ी पीता हूँ और कुछ काम है उसके लिए बाहर जाना है, तो चलो थोड़ी ही देर में आपसे मिलता हूँ मैं। सो गाइस, अभी घर बैठ बैठ के हो गया था बोर, तो इसलिए सोचा कि चलो दोस्त के घर जाकर रस्टी के घर जा रहा हूँ, क्योंकि कल जो मेरा दोस्त है वो राइड के लिए जा रहा है। तो अभी मैं और वो दोनों, हम एक गैंग शेयर कर देना, जीएस गैंग, तो चलो उससे मिलकर आता हूँ। हाँ चलो, मिलना वगैरह सब हो चुका है, अब चलो चलते हैं घर अपने छोटी जीएस पर। तो चलो बच चुके हैं, ऑलमोस्ट 9 बजे हैं, कुछ ज़्यादा तो लेट नहीं हुआ है। कल सुबह भी जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो चलो निकलते हैं घर, पहले मस्त गाने सुनते हुए जाएंगे। सो गाइस, रूम में वापस, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कोजी सा लग रहा है, क्योंकि इसका रीज़न यह है कि बहुत सामान ऐसे बिखरा है यहाँ पर। अभी भी पूरी तरह से रूम तैयार नहीं है, जैसा कि मैंने कहा यह बहन के घर जाने वाला है। ये अपने राइडिंग गियर्स का बक्सा है, ये इधर जाने वाला है, तो जगह काफ़ी खाली हो जाएगी। ये जो बैकपैक्स है सब, ये इसके अंदर जाएगी, तो पूरा खाली खाली हो जाएगा। पर इतना भरा है ना रूम, तो काफ़ी कोजी फील कर रहा हूँ, अच्छा भी लग रहा है। तो एनीवेज चलो, अभी घर वापस आया हूँ और हाँ, थोड़ी देर में करूँगा ब्लॉग का एंड। क्यों? क्योंकि करना चाहिए ना एंड, ताकि मैं आपसे कल मिल सकूँ। स्टे ट्यून्ड, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिट ऋषि ब्लॉग्स, आज मैं बुधवार के ब्लॉग का एंड, मतलब जो ब्लॉग गुरुवार को आएगा उसका एंड मैं गुरुवार को ही कर रहा हूँ। यस, डायरेक्ट लैप करते हैं एंड। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आप मेरा कॉन्टेंट एंजॉय कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। ऑन दिस नोट, दिस इज फिट ऋषि ब्लॉग साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और इसी वादे के साथ चलता हूँ कि कल वापस जरूर मिलूंगा, और जाने से पहले हमेशा के वर्ड्स बोलकर जाना, कौन से? यस, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। वैसे तो ये ब्लॉग है, मैं आफ्टरनून में करो, फिर भी ठीक है, चलो बाय।